शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से हमें सोनिया पे पूरी पूरी नजर रखनी है। हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा कि वो आदमी कौन था। हाँ पापा, क्या मैं अभी आती हूँ। क्या क्या हुआ श्रद्धा, हुआ क्या है? मम्मी जी, पापा का फोन आया था, कीर्ति की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, पापा घर पे अकेले हैं, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, तो नैना भाभी चली जाएंगी ना, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मम्मी जी, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। बेटा तुम जल्दी से जाओ, सक्षम जी को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। जी, संभल कर जाना। तो खुद का घर संभालने के पहले इसे अपना मायके बचाना है जरूरी। क्या कर रही है बेटा, दवा भी नहीं खा रही हो, खाना भी नहीं खा रही हो। ये लो, थोड़ा सा खा लो बेटा, थोड़ा सा खा लो। कीर्ति बेटा। पापा, क्या हुआ है कीर्ति को? देखो ना बेटा, ना दवा खा रही है ना खाना खा रही है। इसको देखने डॉक्टर आया था, कह रहा था अगर खाना नहीं खाएगी तो इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। अब तुम ही समझा सकती हो उसे। ये लो बेटा, और इसे खाना खिलाओ। ठीक है पापा, आप जाके आराम कर लीजिए, मैं ध्यान रखती हूँ इसका। क्या है कीर्ति, ऐसे बीमार की तरह यहाँ बैठी है? चल खाना खा ले। ये ले, मुंह खोल। नहीं, हमें नहीं खाना। कीर्ति, तो क्या आपने जिद के कारण अपने आने वाले बच्चे को भी भूखा रखेगी क्या? देख, अब तूने एक बार और ये बीमार होने का नखरा किया है ना, तो दो लगाऊंगी तुझे। चल खाना खा। समझा के थक गई हूँ तुझे कीर्ति, लेकिन तू है कि मेरी एक भी बात नहीं मानती है। कितनी बार कहा है तुझे, अपने गुस्से पर काबू रख, बड़ों की बातें सुना कर, उनको समझा कर, लेकिन नहीं, तुझे तो बस चीखना है, चिल्लाना है, हाथ उठाना है, बस यही करना है ना। चल खा। जानती है ना कीर्ति, जब मम्मी घर पे नहीं होती है तो पापा कितना परेशान हो जाते हैं, कितना डर जाते हैं। कब बड़ी होगी तू? ये पानी पी। अभी ठीक है? चल जल्दी से खाना खत्म कर। अरे मैं तो घर पे बताना ही भूल गई कि मैं आज रात तेरे साथ ही रुकने वाली हूँ। तू जल्दी से ये खाना खत्म कर कीर्ति, क्योंकि कल हम दोनों शॉपिंग पे जाएंगे। पक्का दीदू? हाँ पक्का, लेकिन उसके लिए तुझे जल्दी से ये खाना खत्म करना पड़ेगा। अरे अबे बेटा, नाश्ता तैयार है, आ जा बैठ के नाश्ता कर ले। आ। मम्मी श्रद्धा कहाँ है? अरे कल से वो मायके से लौटी कहाँ है? हेलो श्रद्धा, कहाँ हो तुम? तुम भूल गई, आज बैंक जाना था ना डॉक्यूमेंट साइन करने। एक बार जब मैडम मायके पहुंच जाती है तो जैसे उसकी याददाश्त ही गुल हो जाती है, पता नहीं अब कब उसके दर्शन होंगे। अबे आज नहीं हो पाएगा, वो आज मैं कीर्ति के साथ हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सारे डॉक्यूमेंट दफ्तर में ले आता हूँ, तुम वहीं साइन कर देना। लगता है मैडम के आज भी दर्शन नहीं होंगे, मायके में बैठ के चैन की बीन बजा रही होगी और हम यहाँ बस काम ही करते रहे। अरे मम्मी क्या बोले जा रही हो? अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से ऑफिस मिलता हूँ तुम्हें।
वो दरअसल मैंने ऑफिस में भी छुट्टी के लिए बोल रखा है। आज मैं कीर्ति के साथ बाहर जा रही हूँ उसके लिए कुछ सामान खरीदने। कीर्ति, कल तक तो उसकी तबीयत खराब थी, आज तुम दोनों घूमने निकल गए। नहीं अभय, ऐसी बात नहीं है, कीर्ति सचमुच बहुत परेशान है। हाँ, उसी की तो परेशानी दिख रही है तुम्हें आजकल। हम सब दिखे कहाँ रहे तुम्हें, सही गलत सब तो भूल चुकी हो तुम। कीर्ति, क्या हुआ, चलें? सिर्फ आपके बोलने पे हम जा रहे हैं दीदू, वरना वहां तो सब हमें भूल ही गए। तुझे पता है तेरी सासू माँ ने चार बार फोन किया है तेरे बारे में पूछने के लिए कि तेरी तबीयत कैसी है। तुझे इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि तू सो रही थी। चल। पर वरुण जी ने तो कॉल नहीं किया ना। क्या किया तुमने अपने? उससे बिना पूछे, मुझे बिना बताए तू रेजिग्नेशन लेटर दे रही है। ऐसा नहीं होगा। देखो वरुण, मेरी वजह से कीर्ति और तुम्हारे बीच में परेशानी और बढ़ने नहीं दे सकती। नहीं, वो हम देख लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम देखना, कीर्ति तुमसे माफी मांगेगी जरूर। नहीं वरुण, जब उसकी कोई गलती ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगेगी? सच कहूं तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, पर बाद में मैंने बहुत सोचा, हम दोनों की दोस्ती उसके लिए एकदम से एक झटका जैसा था। कीर्ति की जगह कोई और होती तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अबनी, ये हमारे घर का मामला है, इसके लिए तुम अपने काम का नुकसान क्यों कर रही हो? क्योंकि वरुण, इससे बात और भी ज्यादा बिगड़ सकती है, समझो बात को। ऐसा मत कर यार, अपने काम पर असर मत पड़ने थे, और मुझे भी तेरी जरूरत है। चल अब बैठ। देख, तू चिंता मत कर, मैं ऑफिस में बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कीर्ति, मैं वरुण को बस वही बता रही थी कि मैं तो तुम अब वरुण जी को हमारे खिलाफ भड़का भी रही हो, और आपने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। ऑफिस नहीं, घर नहीं, यहाँ बाहर खुले में ऐशी कर रहे हैं। हद पार तुमने की है कीर्ति, हर एक तरफ अग्नि जो तुम्हारी खातिर अपनी नौकरी को दांव पे लगा रही है। वरुण, नहीं नहीं, क्यों छोड़ोगी तुम जॉब? हाँ, क्यों देना है आप दोनों को हमारे लिए कुर्बानी? अरे घूमिए फिरिए, ऐयाशी करिए। सब मुझे कह रहे थे कि मुझे तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर तुम समझाने के लायक क्या, तुम तो बात करने के लायक भी नहीं हो।
बेटा, डॉक्टर ने सख्त मना किया है कीर्ति को किसी भी तरह का मानसिक तनाव लेने के लिए, वरना उसकी तबीयत और बिगड़ सकती है, जिसका सीधा असर बच्चे पर होगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कीर्ति। तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम ऐसे ही मुझे हर बार शर्मिंदा करती रहोगी। बस कीजिए वरुण जी, आप इस तरह से सबके सामने अपनी पत्नी की बेइज्जती नहीं कर सकते। अच्छा, और श्रद्धा जो ये मेरी ऑफिस में, मेरे घर पे, यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती कर रही है, उसका क्या? उसके लिए तुम कुछ नहीं बोलोगी? वरुण जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज सबके सामने ये करना बंद कीजिए। बस, बस। अब हम इन दोनों की ये बेशर्मी नहीं सह सकते। कीर्ति, कीर्ति, वरुण, ये तुम्हें अपनी समझाया था ना? अपनी कीर्ति की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। देखो, तुम तो समझदार हो, समझती अच्छा, हो। बस अवनी ही समझेगी, तुम्हारी बहन की समझ कब ठीक होगी? अभय, कीर्ति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कल के झगड़े के बाद उसने वरुण जी और अवनी को बाहर एक साथ देख लिया। आप खुद ही सोचिए ना, ऐसे हालत में वो अपने गुस्से पर कैसे काबू कर पाएगी, जिसका असर उसके आने वाले बच्चे पर भी पड़ रहा है। इस वक्त हमें ही कीर्ति को बहुत अच्छे से और शांति से समझाना होगा। ये अच्छा है, कीर्ति की तबीयत खराब ना हो, वो खुश रहे, उसके हिसाब से हम जिंदगी जिए, है ना? अभय, बहस करना बंद करो। श्रद्धा सही कह रही है। नहीं अभी, इस बार श्रद्धा गलत। तुम दोनों बहनों की गलतियों का ठेकरा हमारे सर पे फोड़ना बंद कर दो अब, क्योंकि बदतमीजी अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो भाई। तनुजा भाभी, अरे क्या हो गया? तनुजा भाभी, आप चिल्ला रही हैं। आप ना बस, आप बस ये ना थाली सजाते रहिए, और वहां कीर्ति को इस खानदान की बहू बनाना जैसे सजा बन गई है हम सब के लिए। अरे पर तो हुआ क्या है, बताइए तो। अरे क्या बताएं हम आपको, हमें किटी पार्टी से निकाल दिया गया, वो भी उस नकचड़ी कीर्ति की वजह से। आपको पता है हमारे तलाकशुदा होने पर आज लोगों को चमाट मारने का मौका मिल गया। जाकर देखिए बाहर, मोहल्ले में ना हमारी तू तू हो रही है उन कीर्ति की वजह से। बुआ जी, और तुम अपनी बहन को बता देना कि उसकी वजह से हम जो जेल रहे हैं ना, छोड़ेंगे नहीं उसे, हर बात का बदला लेंगे, हिसाब लेंगे उसे बता रहे। हमारे पति की वजह से जितनी बदनामी हमारी नहीं हुई है ना, तुम्हारी बहन कीर्ति की वजह से हो रही है हमारी। शांत हो जाइए तू। मम्मी, मैं सोनिया को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ, वहीं से दुकान निकल जाऊंगा। और कीर्ति के लिए ये अपने हाथों से लड्डू बनाए थे, सोचा उन्हें दे दे, इन दिनों में फायदा करते हैं ना। जी कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमारे लिए करने। कीर्ति। नहीं पापा, आप हमें नहीं डांटेंगे, इनके बेटे सबके हाथ से निकल गए, इन्हें बोलिए पहले उन्हें जाकर देखे। कीर्ति बेटा, अब शांत हो जाइए और हमें बताइए कि हुआ क्या। हुआ ये कि आपको ना आपके बेटे की गलती नहीं दिखती, या तो वरुण जी हमारी तरह आपको भी बेवकूफ बना रहे हैं। तमीज से बात करो कीर्ति। बहन जी, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आजकल पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ी हो गई है,
नहीं भाई साहब, इन्हें पूरा हक है अपनी बात रखने का। कीर्ति बेटा, हम वरुण से भी बात करेंगे, लेकिन आप एक बार घर तो चलिए, हम सब साथ मिलकर इसका हल निकालते हैं ना। उस घर में फिर से हम जाएं बेइज्जती करवाने, जहां वरुण जी हमें इस हालत में अकेला छोड़कर उस अवनी के साथ बाहर अय्याशी कर रहे हैं। बीवी क्या बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती है, जिसको कोने में छोड़ दिया और चले गए? ये संस्कार है आपके घर के? नहीं बेटा, हम आपको यही तो समझाने आए थे कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो दोनों सिर्फ बचपन के दोस्त हैं, जो क्या, जो अब जवान हो गए और जिनके जलवे ना हमने अपने आंखों से देखे। हाथ से निकल गए आपके होनहार बेटे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, बल्कि आज तो वो दफ्तर से भी जल्दी निकले ताकि यहाँ आके आपसे बात कर सके। निकले होंगे जल्दी, पर कहाँ है? आए हमसे मिलने? ओ हाँ, क्योंकि उनको ना अवनी के साथ बाहर जाके कॉफी जो पीना था, पापा हमने अपने आंखों से देखा कैसे दोनों हाथ में हाथ डालकर कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। मैं एक बात बताई, कॉफी के साथ कौन सा ऑफिस का काम होता है? हम घर से बाहर क्या निकले? दोनों को मौका मिल गया है याशी करने का। कीर्ति शांत रहो बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है उन दोनों के बारे में। पापा आपको आज भी लग रहा है कि हम ही गलत हैं? तो ठीक, आप दीदू से पूछ लीजिए, दीदू भी हमारे साथ थे। और आप अपने बेटे को तो रोक नहीं पाई, इसीलिए हमें आ गई समझाने कि हम घर वापस चलें उस धोखेबाज के पास। तमीज से बात करो कीर्ति। जब तक वरुण जी उस अवनी को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं फेंकेंगे, हमसे माफी नहीं मांगेंगे, हमें मनाएंगे नहीं, तब तक उस घर में दोबारा हम कदम नहीं रखेंगे। आज अकेली मिली गई तो बचेगी नहीं तू आज। हिम्मत दिखा के तू इस घर में घुस गया है ना, तो अब हिम्मत है तो अपना चेहरा भी दिखा।